ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, 10th कैंटो 26th चैप्टर एंड 18th वर्स। चैप्टर का नाम है वंडरफुल कृष्ण। हिंदी में अध्याय ना अद्भुत कृष्ण। वो एक्चुअली बद्रिकाश्रम में डिस्कस कर रहा था, तो वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पॉइंट इस चैप्टर में चल रहा है कि ये सारे व्रजवासी कन्फ्यूज्ड हैं, स्पेशली गोवर्धन लीला के बाद, कि कृष्णा भगवान है या एक ऑर्डिनरी बच्चे। क्योंकि क्योंकि सारे व्रजवासियों ने तो भगवान को 7 दिन देखा है गोवर्धन उठाते हुए अपने उंगली पे, लेफ्ट हैंड की, तो 7 दिन रहे हैं वो। कृष्ण भगवान ने उनके सामने सामने गोवर्धन उठाया है, 7 दिन ऑलमोस्ट खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। तो उनके माइंड में डाउट आ गया कि ये ऑर्डनरी बच्चा नहीं हो सकता। मतलब डिस्कशन शुरू हो गई, कुछ लोगों ने कहा कि भाई भगवान कृष्णा ये तो ऑर्डनरी बच्चा है, ये तो रोता रहता है और भूख भी लगती है इसको, और डरता भी है, यशोदा माँ से डरा भी, और इसने अब गोवर्धन उठा लिया, तो या तो इसके अंदर नारायण का आवेश आता है या खुद ही भगवान है। मतलब बहुत सारे डाउट्स आ गए इनके माइंड में। सो कृष्णा भगवान है या नहीं, ये एक डाउट है। मगर हमारे माइंड में भी आ सकता है डाउट नहीं, मगर हमारे माइंड में जो डाउट आता है कृष्ण भगवान है या नहीं, और जो उनके माइंड में डाउट आ रहा है कृष्ण भगवान है या नहीं, बहुत अंतर है। डाउट समझते हो ना, संशय। सो उनके माइंड में भी सेम संशय है, हमारे माइंड में भी सेम संशय है, या प्रॉब्ली रावण के माइंड में भी सेम संशय था कि राम भगवान है या नहीं। क्वेश्चन सेम है, संशय सेम है, मगर बाहर से एक ही लग रहा है मगर बिल्कुल अलग है। सो क्या फर्क है? सो उनके माइंड में जो संशय आया है कृष्णा भगवान है यानी, वो एक्चुअली वो प्रेम की भूमि से प्रकट हुआ है। हमारे माइंड में जो आ रहा है वो माया से आया है, नहीं कृष्णा भगवान है यानी, हम कन्विंस्ड ही नहीं है। उनके माइंड में जो डाउट आ रहा है कृष्णा भगवान है यानी, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको से अगर उनके माइंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला उनको, तो क्या करेंगे? कृष्ण को छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो हम छोड़ देंगे। तो पॉइंट वहां पर ये, उनके माइंड में जो भी विचार आता है उससे वो भगवान के करीब ही जाते हैं, चाहे संशय क्यों ना आ रहा हो। हमारे माइंड में जो भी विचार आता है उससे हम भगवान से दूर चले जाते हैं, चाहे वो सही विचार ही क्यों ना हो। हमारा माइंड उल्टा काम करता है ना, बिल्कुल उल्टी तरह काम कर रहा है। सो एक्चुअली ये एक्चुअली पास्ट टाइम बहुत इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम है, क्योंकि ये बताने के लिए कि प्रेम और काम वासना में क्या अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस। तो उन्होंने उनके माइंड में डाउट आ गया, तो उन्होंने कहा चलो भगवनंद महाराज से क्लियर करते हैं। क्योंकि उनके उनके मन में संशय पता क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हमें क्लियर नहीं होगा कि कृष्ण भगवान है या नहीं है, तो हम भगवान की अच्छी तरह सेवा नहीं कर पाएंगे। वो अपने माइंड में ऐसा सोच रहे हैं, मतलब अगर भगवान को मज़ा ही नहीं आएगा, अगर वो भगवान है तो हम वैसे सेवा करें, अगर भगवान नहीं है तो फिर हम अलग भाव से सेवा करेंगे। अल्टीमेटली तो भगवान को आनंद देना है ना, उनके भाव को थोड़ा ना खराब करना है, इसलिए वो इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। यू सी, वो क्वेश्चन प्रेम बढ़ाने के लिए। तो हर संशय खराब नहीं होता, एक्चुअली संशय आना कोई खराब नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है उस संशय को सॉल्व करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हो इसके माइंड में संशय आ रहा है, ये तो गंदा डिवोटी है और हमेशा डाउट करता रहता है, दैट्स नॉट द पॉइंट देयर। सो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा गर्ग मुनि से, एक्चुअली नंद महाराज से आके पूछ लिया कि भी आप बताइए। तो नंद महाराज ने कहा कि भी देखो, जब ये जन्म हुआ था तो गर्ग मुनि आए थे यहाँ,
और गर्ग मुनि जब आए यहाँ तो उन्होंने मुझे कुछ कहा था। इस बच्चे का जब नाम संस्कार किया था, गर्ग मुनि कुलगुरु है ना उनके, तो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई तुम्हारा जो पुत्र है, ये देखो यहाँ पे कहा है, बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्य ते, कि बहुत सारे इसके नाम हैं, रूप हैं, और मतलब बहुत सारे नाम और रूप हुए हैं इसके पहले युगों में। अब गर्ग मुनि डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि भगवान है, दैट्स द होल पॉइंट, मतलब क्लियर बोल देते भगवान है। तो मैं डाउट है कृष्णा भगवान है या नहीं, ठीक है आज तुम्हारा डाउट सॉल्व, भगवान है। मतलब गर्ग मुनि ने नए नंद महाराज को भी नहीं बोला कि ये कृष्णा भगवान है, तुम्हारे पुत्र पैदा हुआ है, उसको ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला डायरेक्ट कि भगवान है या नहीं। क्या कहते हो, कोई बताएगा? तो बोल सकते थे कि भगवान है, मगर अभी तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा हुआ है, उसको ध्यान रखना। तो एकदम सरल आंसर है ना ये, तो क्यों नहीं बता रहे ऐसा? क्योंकि भगवान इच्छा था जो वात्सल्य भाव में प्रेम, सबसे प्रेम प्रेम करें। अगर गर्ग मुनि बता दे भगवान है तो लोग वात्सल्य जो प्रेम प्रकट करने के बाद उनको तो बोल देते भगवान नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व। वो भी नहीं बोला, वो भी नहीं कह रहे भगवान नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि गर्ग मुनि अगर कहे भगवान है तो प्रॉब्लम, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा माँ का सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। कृष्णा चाहते ही हैं कि नंद बाबा यशोदा माँ के साथ वात्सल्य रस के साथ वो संबंध हो, और सारे ब्रजवासियों का भी मूड खराब हो जाता। और अगर कहे भगवान नहीं है तो भी प्रॉब्लम, वो तो झूठ हो गया। और भगवान नहीं है उसमें एक और प्रॉब्लम होगी कि अगर वो कहें भगवान नहीं है तो फिर इतने सारे असुरों को मार रहे हैं कृष्णा, तो कहेंगे अभी मेरा बच्चा बीमार हो गया, भूत घुस गया कुछ, इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास, नहीं परेशानी हो जाते हैं वो तो इतने। तो एक्चुअली गर्ग मुनि, यू सी द पॉइंट, सब लोग गर्ग मुनि भी एक्चुअली सारे डिवोटीज वहां सोच रहे हैं भगवान की सेवा बेस्ट कैसे हो। तो ब्रजवासियों ने भी ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कृष्ण भगवान है या नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा में कि बेस्ट हो नहीं। अगर मुनि भी सोच रहे मैं क्या आंसर दूं कि भगवान की सेवा अच्छी तरह हो, कि व्रजवासियों का भाव भी खराब ना हो और वो डरे भी ना जब कृष्णा ऐसे ऐसे असुरों को मार दें, तो पता लगा मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, भूत घुस गया है, या साइकेट्रिक दवाइयाँ ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। मतलब डेफिनेटली आई मीन टू से, अगर आपका बच्चा जाके उठा के किसी सांप को मार दे तो आप कहोगे पता नहीं क्या हो गया इसको, क्या करता रहता है। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। तो उन्होंने एक्चुअली बहुत ध्यान से आंसर दिया। सो गर्ग मुनि भी एक्सपर्ट, उन्होंने एक्सपर्ट आंसर दिया। उन्होंने भी नहीं कहा भगवान, उन्होंने के बिना नहीं भगवान, उन्होंने कहा कि भी ये पहले बहुत सारे नाम और रूप ले चुका है, गुण कर्मानु अनुरूपानी, और अपने गुण और कर्म के अनुसार इसके कई नाम है। तानी हम वेदा न जाना, मैं जानता हूं इसको और कोई नहीं जानता। सो एक्चुअली गर्ग मुनि कह रहे हैं कि थोड़ा सा सुपर नेचुरल बच्चा है। सुपर नेचुरल समझते हो क्या कहते हैं? है हाँ, मतलब ये बताना आते हैं कि ये भगवान तो नहीं है मगर असाधारण बच्चा है। इतना तो नंद बाबा के दिमाग में चला गया, ये साधारण बच्चा नहीं है, इस तरह से उन्होंने बता दिया। और इनफैक्ट उन्होंने ये, अब इस ध्यान से पढ़ोगे तो इससे तो सीधा पता लग रहा है भगवान है, क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार ले रहे हैं। गर्ग मुनि ने भी कह दिया कि भी पहले इसने काला रंग में अवतार, पहले पीले रंग में अवतार लिया था, फिर वाइट में, फिर रेड में, अब आपके पुत्र के रूप में पैदा हो रहा है। ऐसा वह श्रेय आधासयत, और ये जो बच्चा है ये आपके 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 कुल के मंगल के लिए काम करेगा, मतलब आपके आपकी रक्षा करेगा, आपके आपके कुल की। गोप गोकुल अनंदना, सारे गोपों की, गोकुल गोकुल की रक्षा करेगा, इसीलिए आप
इसकी रक्षा करो। अरे न सर्व दुर्गानी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपके यहाँ। यहाँ पे ये भी बता दिया उन्होंने, अनेना सर्व दुर्गानी, कई प्रॉब्लम से रक्षा कर रहा है आपकी, तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी। तो गर्ग मुनि ने प्रिडिक्शन भी कर दी थी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद राक्षस आएगा, असुर आएगा, मगर आप घबराना मत, ये बच्चा आपकी हेल्प करेगा। यूयम अज्ञस्तरिष्यत, और आप इसकी ही कृपा से सारे के सारे प्रॉब्लम्स को तरिष्यति मतलब पार कर जाओगे। सो इनफैक्ट गर्ग मुनि उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप लोग ध्यान से इसको पालना, इसकी सेवा करना, अगर इसकी रक्षा करना, वट एवर इट इज़, गर्ग मुनि इनको इंस्पायर कर रहे हैं। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पुराने न व्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता, तो कह रहे हैं कि भी वेल यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब जब साधुओं को गंदे लोग सताते हैं, अराज अके रक्षे माना, जब जब राजा करप्ट हो जाते हैं, नहीं धर्म की हानि हो जाती है, जिज्ञ और दस्यु समय देता, तब तक तब तब यह आपका बच्चा आता है और धर्म की स्थापना करता है। अपना और यू से बोलता है, अब नंद महाराज थोड़े से इंटेलिजेंट होते तो समझ जाते कि भगवान है, बट इंटेलिजेंट तो है मगर प्रेम से अंधे हैं, दैट्स द होल पॉइंट। मतलब कोई भी अगर ऐसी बातें सुनेगा तो कहेगा भाई ये तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो जब जब धर्म धर्म संस्था अर्थ आया संभव आमी योगे हो गए, तो डेफिनेटली या तो भगवान का अवतार है या कुछ है नहीं। मगर नंद महाराज ने सुना और फिर आई थिंक सुन के भूल गए, सुना होगा कुछ सोच सोच रहे होंगे, फिर कृष्ण को देखा होगा भूल गए होंगे। तब बच्चे को देख के तो भूल जाते हैं ना, देखा होगा कृष्ण हंस रहे होंगे या दूध मांग रहे होंगे, रो रहे होंगे, भूल गए, सब भूल गए। दैट्स हाउ इट गोस। सो एक्चुअली यहां पे तो सीधा विष्णु के बारे में बोल दिया, यह एते अस्मिन महाभाग्य, अगर कोई महान भाग्य है किसी का और जो इस बच्चे से आसक्त हो जाए, नाउ दैट्स अ पॉइंट इज ब्रिंगिंग, प्रीतिम कुर्वंती मानव, कोई भी व्यक्ति अगर इस बच्चे से प्रीति कर लेगा, वेल यहां पे टेक्निकल वर्ड है प्रीति, प्रीति जो शब्द है ना ये एक्चुअली प्रीति संदर्भ पता है ना, एक जीवा गोस्वामी ने छह संदर्भ लिखी हैं, छह किताबें लिखी हैं जीवा गोस्वामी ने, उसमें जो आखिरी किताब है वो प्रीति संदर्भ है। तो भक्तिवन ठाकुर भी लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि प्रेम भाव रुचि आसक्ति इन सबको एक ही शब्द में रखा जाता है, प्रीति में। चाहे तो प्रेम कह लो या प्रीति कह लो या आसक्ति कह लो, भाव कह लो, एक ही बात है। तो जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान से प्रीति करना है, अब उसमें प्रेम भी आ जाएगा, भाव भी आ जाएगा, आसक्ति भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं प्रीति का। प्रीति मतलब क्या होता है? प्रीति मतलब होता है कि ऐसे स्नेह समझते हो, प्रीति मतलब स्नेह हो गया, क्या हो गया? प्रीति मतलब स्नेह हो गया, और स्नेह का मतलब हो गया स्नेह क्या होता है? नहीं, स्नेह क्या होता है? वेल पता होना चाहिए वरना आपको कैसे होगा, मतलब आपको गोल नहीं पता ना लाइफ का। तो जीवन का लक्ष्य प्रीति है, प्रीति मतलब स्नेह। वल्लभ आचार्य यहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल में वल्लभ आचार्य मतलब वल्लभ कुल की सेवा है यहाँ पर, है नहीं, जितने भी पंडे हैं जो, तो वल्लभ आचार्य एक्चुअली रूपा गोस्वामी वल्लभ आचार्य को ही कोट कर रहे हैं मत्तीर्थ सिंधु में कि महिमा ज्ञान स्नेह महिमा ज्ञान पूर्वकम स्नेह इति भक्ति, भगवान से स्नेह होना वही भक्ति है। अब क्वेश्चन है कि स्नेह क्या है,
अब ऐसे तो कोई भी उठा के आके कह देगा हमें भगवान से स्नेह है, मुझे अपने लड्डू गोपाल से स्नेह है, कह सकता है नहीं? बट क्या वो स्नेह है? क्या वो प्रीति है? आपको लोग क्या कहते हैं, आपको प्रीति है भगवान से या नहीं? आप अपना बताओ, छोड़ो चलो दुनिया को, क्या कहते हो, है या नहीं? पूछ रहा हूं मैं, मतलब थोड़ी सी है, 100% है, 0.1% है, 10% है, क्या है, क्या कहते हैं, थोड़ी सी है या? वेल अब मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तब बता सकते हो आपको स्नेह, चाहे आपको पता हो स्नेह है क्या, आपको पता ही नहीं तो कैसे बताओगे आप? हम भगवान से लगाओ तो है या नहीं? अब थोड़ा सा तो कह सकते, थोड़ा सा तो कह सकते, वरना आप आओगे ही क्यों यहाँ, भगवान का नाम लोगे ही क्यों? एट द सेम टाइम अपने आप जो भावनाएं हैं उनके अंदर जा रही हैं, नहीं जाते हुए भी, वो भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो कि आप अपने आप मन जाने लगे भगवान में तो स्नेह है नहीं? मतलब बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बट एक्चुअली हमें कोई ऐसा कुछ तरीका चाहिए डेफिनेशन जिससे हम कंफ्यूज ना हो, हमें पता लग जाए कि रैली में है या नहीं, क्योंकि अपने आप मन जा रहा है, अपने आप मन तो कभी कभी चला ही जाता है नहीं? कभी कभी आप, कभी कभी कीर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन जाने लगेगा, फिर हट जाएगा, होता है नहीं होता है? सो क्या स्नेह है पता नहीं, कंफ्यूज हो गए ना आप लोग, तो इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी और रूपा गोस्वामी ने डेफिनेशंस दिए हैं इन शब्दों की, परिभाषाएं दी हैं, तो इसलिए किताब पढ़नी होती है, क्योंकि अगर स्नेह सही नहीं होगा तो चैंटिंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। आप करते रहो, कभी सही नहीं होगी। बहुजन्मा जदि करे श्रवण कीर्तन तबूतो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी हमारे कृष्णा कर लेंगे ना तब भी प्रेम नहीं मिलेगा, मतलब बहुत जन्म कह रहे हैं महाप्रभु, एक जन्म नहीं कह रहे, करोड़ों जन्म तक। अब हम कर ही रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि करोड़ों जन्म तक हम करते ही रहे, इस जन्म में हम आए हैं, हमने चलो दीक्षा ले ली, चैंटिंग कर रहे हैं, अगले जन्म में फिर किसी और से दीक्षा ले लेंगे, चैंटिंग करेंगे, उस अगले जन्म में किसी और से दीक्षा ले लेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। बस कोई कोई गारंटी थोड़ी ना है कि आपने दीक्षा ले ली या आप तो चैंटिंग कर रहे हो तो भगवान के पास पहुंच जाओगे, गारंटी नहीं है किसी की भी, क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं जा सकते आप, जब माइंड में क्लियर नहीं होगा ना गोल तो पहुंच नहीं पाओगे आप। तभी तो महाराज तभी कैंप में वो डिस्कस नहीं कर रहे थे वैष्णव अपराध क्या है, कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, महाराज यही कह रहे थे ना भी जानना जरूरी है वैष्णव अपराध, अदरवाइज करते रहोगे तुम, तुम्हें पता ही नहीं। तो ऐसे ही है, अगर मान लीजिए हम नहीं जानेंगे गोल क्या है तो आप फंसे हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते थे कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, या मेरे पास टाइम नहीं था, क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता, मैं बीमार था, चैंटिंग नहीं हुई, मैं बीमार था। वेल हु केयर्स फॉर दैट, आगे जो भी हो रहा है आपकी प्रॉब्लम है, ये बताओ कि आपको भगवान से प्रीति है या नहीं है। अगर 70% से ज्यादा है तो ले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 70% से कम है तो यहीं पड़े रहो, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हम भक्ति विकास महाराज के डिसाइपल हैं, आपको ले जाना पड़ेगा। अब यहीं रहोगे आप चाहे किसी के भी डिसाइपल हो, नहीं जा सकते आप। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब भागवतम ना, मतलब एक जो भी शब्द है भागवतम में वो बहुत चुन के इस्तेमाल किए हैं, स्पेशली गर्मुनि जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं महाभागे प्रीतिम कुर्वंती, उसका महान भाग्य है जिसकी भगवान में प्रीति हो जाती है। सो एनीवे महान भाग्य के बारे में बात करूंगा। तो स्नेह की क्या डेफिनेशन है? वेल रूपा गोस्वामी बता रहे हैं स्नेह कैसे पता लगेगा, दो चीजें हैं, दो चीजों से पता लग जाएगा आपको।
सबसे पहला है वो परिभाषा ही दे रहे हैं प्रेम की, हृदय से मार्स ने ममता दी श्यांकित भाव है वसान आत्मा प्रेमा बुद्ध है निकलते थे। दो चीजें एक्चुअली तीन चीजें हैं, उससे पता लग जाएगा कि स्नेह हो रहा है नहीं हो रहा। पहला है कि सेवा भावना बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी, मतलब आपके हर टाइम माइंड में ये विचार आ जाएगा, आता रहेगा कि भगवान के लिए क्या करें, व्हाट टू डू। से महाराज भी कहते कैंप में भगवान के लिए इतना सब कुछ करने के लिए है नहीं, कह नहीं रहते। तो स्नेह का लक्षण ही है कि माइंड में यही थॉट आता रहेगा कि भगवान के लिए क्या करें, और जहां स्नेह नहीं है वहां पे विचार आता रहेगा अपने लिए क्या करते रहे, बस यही विचार आता रहेगा। शिल प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद इतने बीमार पड़े हुए थे अपने एंड टाइम में, नहीं मतलब किडनी फेल ही हो गई थी प्रभुपाद की पड़े हुए में, और इतने कमजोर देखा है ना, फिर भी प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं माइंड में कि भगवान की सेवा कैसे होनी, कमेंट्री बोल रहे हैं, डिवोटीज को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब वो बॉडी से ऊपर ही है। तो जब जितना स्नेह होगा उतना ही सेवा करने का मन, मन तो चलो सेवा करने की इच्छा बढ़ती रहेगी, ये विचार आता रहेगा कुछ करूं मैं भगवान के लिए, क्या करना है कैसे करना है, माइंड उस सेंस में घूमता रहेगा। और दूसरा है कि ममता अतिशयांक है कि भगवान से ममता हो जाएगी, भगवान आपको अपने लगने लगेंगे। वो तो चलो ठीक है, भगवान अपने लगेंगे, और ऐसा भी लगने लगेगा कि मैं भगवान का हूं, दोनों तरफ से हो जाएगा, कृष्णा मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, वो फीलिंग आ जाएगी हार्ट में, आई बिलोंग टू कृष्ण, मैं उनका ही हूं और उनके लिए जीऊंगा, उनके लिए मरूंगा, दैट वो ऐसी भावना आ जाएगी। और उसको कहते हैं ममता, जैसे माँ को बच्चे से होती है ना, वैसे हो जाएगा। और हृदय से मार स्नेह, और हृदय में वैराग्य आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा ना। हार्ड तभी होता है जब हम अटैचमेंट होती है, तो सॉफ्ट रूपा को समय कह रहे हैं मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस संसार की गंदी चीजों में इंटरेस्ट खत्म, जब गंदी चीजों में इंटरेस्ट होगा तभी तो हृदय कठोर बन जाएगा, है नहीं, काम क्रोध लोभ मोह सब में, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, वैराग्य आ जाएगा। इस संसार में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खत्म, संसार इंटरेस्ट खत्म मतलब क्या मतलब है कि संसार की चीजें जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा। नाउ दैट्स मतलब ये थोड़ा डिफरेंस है, मतलब आप कहोगे हमारा इंटरेस्ट तो खत्म हो गया, वेल कैसे पता आपको, हो सकता है आप सोच रहे हो आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, पूरी तरह इंटरेस्टेड हो संसार में, है नहीं, ये भी तो है, हर डिवोटी सोचता है मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मगर अब पता कैसे लगेगा कितना इंटरेस्ट खत्म हुआ है, चलो खत्म तो गया कितना खत्म हुआ है, 20% 30% वो कैसे पता लगेगा, ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जब तक 100% इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ संसार में तब तक आप नहीं हो स्नेह उसको, आपका उतना ही कम स्नेह है, क्योंकि भगवान में स्नेह है तो संसार से स्नेह नहीं हो सकता। भगवान से अगर आप, अगर भगवान में मन लग रहा है तो संसार में मन नहीं जा सकता। हरे कृष्ण, फोन बंद करना पड़ेगा ये। फोन तो चलो प्रॉब्लम है ही, वो तो महाराज भी बंद नहीं कर पाए, फोन इज अ बिग प्रॉब्लम। एनीवे तो यू हैव टू चेक, यू नो, कि संसार में कुछ चीज देखने का मन कर रहा है आपका, कुछ चीज खाने का मन कर रहा है, सुनने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है इसका मतलब आपको संसार में इंटरेस्ट है, बस वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा अपने अंदर विदाउट चीटिंग। तो अभी तो मन कर ही रहा है नहीं, अभी तो करता ही है, हम ये देख लें, ये सुन लें, व्हाट्सएप पे कुछ देख लें, इंटरनेट पे कुछ देख लें, मन कर ही रहा है, तो फिर अभी तो आप अटके ही हो, दैट्स इट। या बाहर घूमने चले जाएं, कुछ खा लें, मन कर रहा है,
तो जितना ज्यादा संसार में इंटरेस्ट है उतने ही कम भगवान में स्नेह है, बस दैट्स ऑल। क्योंकि दोनों इकट्ठा हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आप कह रहे हो, आप ये कह सकते हो चलो दोनों नहीं हो सकते, संसार से भी स्नेह हो जाए और भगवान से भी स्नेह हो जाए, दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकता है, ठीक है चलो, बेस्ट ऑफ बोथ। क्यों नहीं हो सकता? वहां से भी, वहां से भी कर लेते हैं, उससे भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? एक की सेवा करेंगे या भगवान की? एक क्यों, तो होता दोनों नहीं, की दो कर कहाँ लो। से होगा? कोई एक तो होता ही नहीं, दो कहाँ से होगा? कहेगा मैं कर लूंगा, आप नहीं कर सकते तो आपकी प्रॉब्लम है। फिर दो तब करेगा वो जो दिखाव करेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, अगर रुचि ज्यादा भौतिक में रहेगी कहेगा तो मुझे इसका मुझे अभ्यास कहेगा नहीं हो पाएगा। मुझे भगवान में भी रुचि है और यहाँ पे भी है, दोनों में इसमें क्या ऐसे प्रॉब्लम क्या लोग है? को बहुत मिलते हैं, हम ये करते हैं ये भी हाँ तो वो करते यही कहते हैं लोग कि मैं तो हैं। भगवान में भी अच्छी, अब मंदिर में आते अच्छे कीर्तन करते हैं, मैं लग जाता है संसार में भी है। तो मगर हमारा प्रपोजल है कि दोनों में नहीं हो सकता इकट्ठा, तो वो कहेगा क्यों? तो आंसर क्या है? यही कहते हैं लोग, तो आप लोग क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो मतलब, क्या बोलते हो तुम, मूर्खो? वो कहते हैं मगर जब कोई समझा रहा है तो समझ नहीं रहा है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बात, तो वही तो कह रहा हूँ, हम क्या आंसर दें, क्योंकि वो अपना बस फिलोसफी ये बदल है। दिया है क्वेश्चन कि समझ मैं आ रहा है, नहीं नहीं कर आ रहा, रहा मैं है कर रहा, दूसरा या कर नहीं आ रहा रहा? है। दोनों पॉसिबल नहीं है, तो उसका प्रभुपाद ही दे रहे हैं आंसर कि भाई अगर अगर आप वैसे, अच्छा वैसे ये बताओ मतलब, जैसे मान लीजिए वो श्लोक नहीं, रस वर्जम रसोप्यस्य, अब हायर टेस्ट लो लोगे तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी खिलौने के बाद खेलते हो आप लोग? कोई खेल रहा? क्यों? मोबाइल अभी मोबाइल नहीं किया सर। नहीं तो तब भी आप नहीं खेलते खिलौनों के साथ? खिलौने के बाद कभी नहीं खेलोगे, है नहीं? कोई थोड़े ना कि आप लोग कोई मतलब ट्रेन ट्रेन चला रहे हो, छुक 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 छुक, क्या कर रहे हो भाई, ट्रेन चल रही है, ऐसा कभी नहीं, सपने में भी नहीं कर सकते आप, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका रस टेस्ट हट गया उससे, क्योंकि और चीज़ें आ गई ना लाइफ में, है नहीं? पैसे आ गए और इम्पोर्टेंट, आपको समझ आ गया कि वो तो क्या नॉनसेंस है वो तो। या फॉर एग्जाम्पल दूध दूध मतलब आप दूध दूध मतलब आपने दूध क्या बॉटल से पीते हो, निपल वाली पिया कभी बड़े होके? क्यों पी लो, भर लो बॉटल और पीते रहो आराम से, आराम से भी पी सकते हो, नहीं लेटे लेटे। बट ऐसा करोगे नहीं आप, क्योंकि आपको अपने माइंड में पता है कि ये नॉनसेंस है। करने में कर तो सकते हो, प्रैक्टिकल है, मतलब कोई खराबी नहीं है, आप कैरी करके ले जाओ अपने, कभी भी लेक्चर चल रहे बीच में लेके हम पी लो और रख दो, दूध चल रहा है। नहीं अगर अकेले ही बैठे हो तब भी नहीं करोगे आप, मुझे लगता है अकेले बैठ के भी नहीं कर पाओगे आप, है नहीं? बड़ा होकर नहीं करोगे। हाँ वही तो अकेले बैठ के भी नहीं कर सकते आप, ऐसे रूम में अकेले बैठ के चलो भाई ठीक है, आप आपके माइंड में ही घुस गया कि समझ ये गया तो अभी बच्चों वाली, इतना। ये क्या है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, मतलब हम तो बड़े हो गए ना, यही माइंड में चला गया ना, तो वो कर नहीं सकते आप कभी। तो ऐसे ही जो जिसको भगवान से स्नेह होने लगता है ना, उसको समझ आता है कि ये संसार की चीज़ें सब बच्चों वाली है, ये बच्चों वाली चीज़ है, ये ऐसे निप्पल से दूध पीने वाली बात है, बॉटल वाली। तो उसको समझ आने लगता है, क्योंकि भगवान से जब कनेक्ट होता है वो, तो उसके मन में उच्च विचार आने लगते हैं, उसको समझ आता है कि ये खाना पीना वीडियो गेम देखना टह टह करना, ये बच्चों की तरह चल रहा है, ऐसा चाइल्ड्स प्ले, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पूरा, दैट्स ऑल। करोड़पति बनना ये भी बच्चों वाली बातें हैं, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता जब वो ट्रेन से खेल रहा है, तो मम्मी पापा कहते हैं क्या बकवास है, तो इसी में पूरा लगा रहता है, उसको तो लग रहा है कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट है नहीं,
उसकी मम्मी उसकी ट्रेन छुएंगी, वो भगा देगा, भाग जाओ यहाँ से, मेरी ट्रेन छू रही हो, होता ही नहीं होता, उसको नहीं समझ आएगा। जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक समझ, अपने आप ही समझ आएगा, बड़े होके ही समझ आएगा। वो बचपन में आप किसी बच्चे को नहीं समझा सकते कि देखो भैया खिलौने से मत खेल और दूध की बोतल मत ले। समझा सकते हो मुझे बता दो, यस या नहीं? नहीं होता ना, तो टाइम वेट करना पड़ेगा आपको, 6, 7, 8, 10 साल, 11 साल का, तब अपने आप ही बुद्धि आएगी। आप कितने लेक्चर पिला दो वो नहीं समझ आएगा उसको, इम्पॉसिबल है। तो ऐसी भक्ति जो करेगा ना, भक्ति करते करते धीरे 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 जब भगवान का अनुभव होने लगेगा, जब शुद्ध विचारों का अनुभव होगा, जब आपको अनुभव होगा कि शांति क्या होती है, अभी तो ये भी नहीं पता शांति क्या है, जब ये समझ आ जाएगा कि शुद्ध मन क्या होता है, जब ये समझ आने लगेगा कि एक्चुअली उच्च विचार क्या होते हैं, तब ये संसार की बातें बचपना लगने लगेगा आपको, आपको लगेगा यार क्या कर क्या रहे हैं, टाइम वेस्ट। तब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपका मन नहीं जाएगा। तो इसलिए या तो यहां पे इंटरेस्ट होगा या वहां पर, है नहीं, या तो खिलौने में होगा, मतलब या तो बच्चों वाली चीजों में इंटरेस्ट होगा या बड़े वाली चीजों में, है नहीं, दोनों में नहीं हो सकता। दोनों में होगा तो कहेगा पागल इंसान है, नहीं, ऑफिस में आके पैसे पैसे कमा रहा है, गाड़ी चला रहा है, घर में जाके छुक छुक चला रहा है, निप्पल से बॉटल पी रहा है, कुछ प्रॉब्लम है भाई? नहीं, मुझे दोनों में इंटरेस्ट है, मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी, कहेंगे ये पागल इंसान है। हाँ वही वही कह रहा हूँ। तो भक्ति कर, भक्ति जब करेगा ना वो धीरे 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 धीरे, तो साधु संघ में समझ आने लगेगा और अनुभव भी होने लगेगा कि एक्चुअली अनुभव की बात है, सिर्फ समझने की बात नहीं होती है। बच्चे को समझा नहीं सकते, उसको अनुभव ही आएगा तभी समझ आएगा उसको। तो पहले अनुभव आता है फिर समझ आता है, पहले समझ आता है फिर अनुभव नहीं होता, वो भी बात है। मतलब ऐसे भी आप समझ के भी अनुभव ला सकते हो, मगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं, अनुभव के बाद फिर समझ आती है चीज़ें, है नहीं? मतलब वो आप कहोगे कि भैया तू ऐसा है कि तू क्या कहते हैं कि भी बाहर के गोलगप्पे मत खा, पेट खराब हो जाएगा, तो आप समझा लो ठीक है समझ आ गया, मगर वो जाएगा गोलगप्पे देखेगा, उसका माइंड ही कर जाएगा कर खाने का, यानी क्या करेगा वो, उसके माइंड में ही उसको 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 गोलगप्पे देख के वो पागल हो जाएगा, खा लेगा, फिर पेट खराब होगा, तब समझ आएगा उसको, भाई सही कह रहे थे, नहीं अब नहीं खाऊंगा। उसके पहले तो आप बोलते रहो नहीं आता। जैसे वो भी है ना, जैसे हम बता बोलते रहते हैं लोगों को कि भी शादी मत करो मत करो मत करो, आता ही नहीं, 1000 बार समझा दिया, सब कुछ हो गया, फिर शादी करके फिर समझ आता है, भैया प्रभु जी गलती कर ली, सभी मुझसे आके बोलते हैं, सभी 100% प्रभु जी आपकी बात नहीं सुनी, गलती कर ली, शादी कर ली, लोग फंस गए है। तो बर्बादी शादी नहीं, शादी शुदा आप लोग, आप तो नहीं है, ठीक है, फीमेल्स के लिए नहीं है, फीमेल तो शादी कर लें, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ। 90-95% लोगों को नहीं समझ आता, घुसेगा नहीं आपके दिमाग में, चाहे पूरी भागवतम खोल के दिखा दें, सीसी खोल के दिखा दें, सारी गलतियां बता दें, शादी में प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव नहीं है अंदर। समझ तो आ रहा है मगर अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं तो समझ भी नहीं आ रहा, तो समझ के भी नहीं समझा, क्योंकि अंदर अंदर से उसको अनुभव नहीं है कि ये चीज ट्रैप है, ये जाल जंजाल है, ये तो पूरी लाइफ आपकी खत्म, जीरो हो गई आपका, भक्ति तो अंडा हो गई आपकी, आपके 20 साल तो खत्म हो गए, बच्चा हो जाएगा, बच्चे को तो आप 20 साल तक तो पालोगे, उसी में सारी बुद्धि रहेगी आपकी, भगवान में क्या जाएगी, उसी को पढ़ाने में ये करने में, आप गए काम से, तो अब ऐसा क्यों है बताना जरा। हजार 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 बार हमने शास्त्रों में पढ़ लिया कि गृहस्थ आश्रम अंधकूप है, है नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सब कुछ पढ़ लिया हमने,
फिर भी उसको भेजे में नहीं घुस रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अनुभव नहीं है, दैट्स द होल पॉइंट। उसको पता ही नहीं कि ये लाइफ कितनी प्रॉब्लमैटिक है। सो जिन लोगों को पिछले जन्मों से अनुभव होता है वो कर जाते हैं, पिछले जन्मों से कुछ अनुभव चाहिए होता है कि ये चीज़ बकवास है, वरना फंस जाओगे आप। ऐसा भी होता है, या ऐसा भी होता है कि अगर आप अच्छा साधु संग लो जिसको अनुभव है, अगर आप उसके साथ रहो और उसकी बात मान लो आप बस माइंड को बंद करके, तो आप भी निकल जाओगे। ऐसा भी होता है, हो सकता है आपको अनुभव नहीं है मगर आप इसी व्यक्ति का रहो जिसको अनुभव है, सिर्फ रहो नहीं उसकी बात माननी पड़ेगी आपको। चलो ये जो कह रहे हैं ठीक है भाई, अब मैं छोड़ रहा हूँ, और करते जाओ बस, आप भी आगे बढ़ जाओगे। कई जन्मों का काम एक जन्म में हो जाएगा। तभी तो कहते हैं अस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जो गुरु की बात यथा रूप मान लेता है वो कई जन्मों का काम एक जन्म में कर जाएगा, क्योंकि वो तो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, वो बात मान के कर लेगा, उसको भी अनुभव आ जाएगा। और जो बात नहीं मानता फिर आपको अपना अनुभव आने में टाइम लगेगा। फिर तो क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर तो लात खाओ, लाइफ वेस्ट करो, चलते रहो। फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, प्रभुपाद भी नहीं कर सकते, पता है आपको, कोई नहीं कर पाएगा, फिर तो आप फंस गए। फिर तो टाइम ही, तभी तो महाराज कह रहे हैं भाई वर्णाश्रम में आ जाओ, एक ऑल्टरनेटिव। शादी अगर कर ली आपने, पागलपंती कर ली, तो एक ऑल्टरनेट अभी भी चांस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप घुस गए, तो वर्णाश्रम में आ जाओ। वहां नहीं आए तो गए आप, फिर तो क्या, फिर तो अपने से झूठ ही बोलना पड़ेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं। अखिलेश सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? लेक्चर नहीं सुन, क्योंकि ऐसे लगता है मैं भक्ति नहीं कर रहा। उनके लेक्चर सुनेंगे, मैं कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो इसको सेट है, हम खुश रहेंगे, हमारी भक्ति चलती रहेगी और सब हो जाएगा। बट कुछ नहीं हो रहा भाई, आप तो आप 16 माला ही किसी तरह रगड़ रगड़ के कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत बड़ी। उसको कहते हैं प्रीति, समझे? प्रीति एक कुछ छोटा वर्ड नहीं है, बहुत हैवी वर्ड है प्रीति, और वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसको फिर हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ है क्या नहीं है, और फिर धीरे 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 अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने से ही लड़ाई है। माइंड कुछ कहेगा आपको, माइंड को रोकना पड़ेगा, मतलब इट्स अ फाइट। प्रभुपाद कह रहे हैं इट्स अ वॉर अगेंस्ट माया, बहुत कह रहे हैं, बहुत मतलब ये लड़ाई तो कोई साहसी लोग ही कर पाते हैं, ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर पाएगा। वो तो बस माला ही घुमाता रहेगा बस। वो क्या कबीर ने क्या बोला है, क्या बोला है वो, कैसे बोला, मन मन के मन का डर दे मन का फेर, कैसे मैं भूल गया, मैं भूल गया, ये सही कह रहे हैं ये मुझे कि भी मन के फेर, हाँ बस, माला भया माला भया जुग भरा ना फिरा ना मन का फेरा। ये माला करते करते जुग बीत गया मगर मन वही का वही बस वो प्रॉब्लम है ना, बात सही है बिल्कुल, वो माइंड वही का वही पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे आप फिर? तो इसीलिए पता है इसलिए क्या करना है, इसीलिए भक्तों के संग में आके अच्छे से भागवत पढ़ो, समझो, तभी तो संग है। हो सके तो 24 घंटा कर लो टाइम मिले, एक्चुअली अच्छे संग की जरूरत है, और अच्छे संग में रह के अच्छे डिस्कशंस की जरूरत है, रोज अच्छे डिस्कशन की जरूरत है, तो माइंड में सेट रहता है कि हाँ भाई हमें ये करना है, और फिर ध्यान रहता है, अब लूज नहीं होते, स्ट्रांग बने रहते हैं, और फिर भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि मुश्किल है, आसान नहीं है ना अपने आप से लड़ना, अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल है ना। आप किसी और से लड़के तो उसको मार पीट के भगा सकते हो, अपने आप से लड़के कहाँ भगाओगे अपने आप को क्या करोगे, कैसे होगा वो? अपने आप से लड़ने का मन भी नहीं करता, जैसे जैसे अब जैसे मान लीजिए आपको नींद आ रही है, नींद से भी लड़ना पड़ता है, नहीं पड़ता है?
जैसे भी लेक्चर में अगर आपको नींद आ रही है, थक रहे हो, तो लड़ना पड़ेगा ना सुनने के लिए, बहुत मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट। तो अभी अभी तो चलो आप लड़ लोगे, क्योंकि सुबह अगर रात को लेक्चर हो रहा था तो 11 बजे लेक्चर करता है तो नींद आ रही होती, तो फिर नहीं लड़ पाते, फिर तो एक एक करके विकेट आउट हो जाती है। 11 बजे तो फिर वैसे भी नींद आ रही है, और वैसे भी आप लड़ रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता लड़ाई करना। तो मैं बता रहा हूँ, अपने से लड़ना बहुत मुश्किल है, अपनी अपने नींद से, अपनी भूख से, अपनी प्यास से। जब ये इतना मुश्किल है तो अपने मन से लड़ना कितना मुश्किल है, इच्छाओं से। वो एक इच्छा आएगी, आपको मजबूर कर देगी करने के लिए काम, आप रोक नहीं पाओगे उसको। आपको पता भी होगा आप गलत कर रहे हो, फिर भी कर लोगे, देखना, बुद्धि को साइड में उठा के फेंक देगी। तो उस अब उस सब उसमें स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ कैसे कहेंगे? बल चाहिए। वो बल साधु संघ में आएगा, और साधु आपको साधु संघ में भी आपको डिस्कशंस करनी होगी, तब जाके आएगा। ऐसी ऐसी बैठने से, चाचा चूचू करने से नहीं होगा। फिर आप घूमने चले गए, इधर उधर चले गए, फ्रेंडशिप हो गई, ऐसे काम नहीं चलता फिर, है नहीं? वो मंडली बना के घूम रहे हैं, फिर नहीं होगा फिर काम। सीरियस डिस्कशन चाहिए, यू हैव टू डिस्कस की लाइफ का एम। मतलब ये भी सीरियस डिस्कशन ही कर रहे हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव, ये क्या कर रहे हैं? सीरियस चल रही है, मतलब ऐसे थोड़े ना है कि परीक्षित महाराज ने बोली आ सुखदेव आ जाना मेरे, तो रात को महल में डिनर है, आ जाना आ जाना, आराम से बैठेंगे गार्डन में, आप कुछ बताना हम सुनेंगे और लाइम जूस पीते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। इनफैक्ट भागवतम तो तब प्रकट हुई है जब परीक्षित महाराज मरने वाले हैं, और गीता तब प्रकट हुई है जब युद्ध होने वाला है। नहीं, भगवान बता रहे हैं ये सीरियस डिस्कशंस हैं, तभी सीरियस पॉइंट्स में रिवील हुई हैं, ऐसे रिवील नहीं हुई। सुप्रीतिम कुर्वंती मानव, इस तरह से प्रीति हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि भी इस बच्चे में जिसकी प्रीति हो गई वो महान भाग्य है उसका, ये महान भाग्य। महान भाग्य मतलब जब भी आप संस्कृत में भागवत में महान भाग्य बोलोगे ना, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि एक्चुअली कि महान आत्माओं का संग मिला है उसको। महान भाग्य वही होता है, वैष्णव संप्रदाय में महान भाग्य तभी माना जाता है जब साधु संग मिलता है महात्माओं का, बाकी सब दुर्भाग्य। सो महान भाग्य से बहुत अच्छा साधु संग मिलता है, और साधु संग मिलने के बाद समझ भी आता है कुछ, क्योंकि आपको मिल भी जाएगा, समझ नहीं आएगा कुछ भी, और फिर प्रीति होती है। नारायो अभिव्यंति एतान, और अगर कोई व्यक्ति न आर्य अभिव्यंति एतान, उस व्यक्ति का जिसकी भगवान कृष्ण में प्रीति हो जाएगी, उसका कोई दुश्मन नहीं रहेगा। विष्णु पक्षान एवा असुरा, विष्णु का ही नाम ले लिया, ऐसे विष्णु देवताओं की का पक्ष लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही बच्चा और उस हर व्यक्ति का पक्ष लेगा जो उनमें प्रीति रखेगा, और सारी प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाएंगी। और दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। क्या हो रहा है? हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज 8:30 हो गए। जैसे अभी आपने कहा कि सीरियसनेस, हाँ, तो जब हम साधु संघ में रहते हैं तब हमें लगता है कि हमें जरूरत है, हमें मुक्ति करनी चाहिए, तो साधु संघ में छोड़ देते हैं, साधु संघ से बाहर थोड़ा, हाँ, तो फिर वो तो प्रॉब्लम है ना, क्यों छोड़ते हो? मतलब माइंड से एक कुछ टाइम के लिए वो जरूरत थोड़ा सा वैनिश हो जाती है, तो वो उसको सस्टेन करने के लिए क्या? वो रेगुलर अच्छा साधु संघ चाहिए, तो रेगुलर साधु यार रेगुलर लेक्चर सुनते रहो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।